हम लोग बात करने वाले हैं मैथ मॉड्यूल के बारे में, ठीक है। फंक्शन है हमारा एबीएस, तो एबीएस तो कुछ बहुत सुना सुना शायद आपको लगना चाहिए, क्योंकि एबीएस क्या होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है कि जैसे हमारा मैथमेटिक्स में कोई भी हमारा निगेटिव नंबर है, ठीक है, तो उस निगेटिव नंबर को जब हमें पॉजिटिव में बदलना होता है तो हम लोग वहाँ पे एबीएस यूज करते हैं। जैसे कि अब जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा मुझे मैथ, तो फ्रॉम मैथ मैंने क्या किया, सारे के सारे मैथ के जितने भी अंदर फंक्शंस थे मैंने सबको इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। अब मुझे यूज करना है एबीएस, तो एबीएस को कैसे यूज करेंगे, अब देखो एबीएस मैंने लिखा है, एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट किसकी वैल्यू, अब अगर मुझे कोई निगेटिव में नंबर दूंगा तो वो भी पॉजिटिव में आएगा। तो इतना याद रखो कि एबीएस फंक्शन क्या करता है, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, कि आपका जो भी नंबर होगा, ठीक है, उसका साइन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -10 तो इसका आंसर आएगा 10, और फिर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस का 10 तो भी आंसर आएगा 10, और अगर मैं यहाँ पे साइन नहीं लगाता हूँ, सिंपल कुछ नंबर लिखता हूँ, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। ये फायदा होता है एब्सोल्यूट फंक्शन का। तो इस प्रोग्राम में आपको क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं नीड होगी इसकी, कि आपको -10 वहाँ पे आंसर आ रहा होगा, या फिर माइनस का कुछ नंबर आ रहा होगा, तो आपको उसको प्लस में करना होगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए आप लोग क्या क्या यूज करेंगे, एबीएस एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करेंगे। फिर हमारा दूसरा फंक्शन है सील फंक्शन, तो देखो CEIL सील फंक्शन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैथ मॉड्यूल में। नाम से पता चल रहा है कि सील होता क्या है, जैसे कि हमारे रूम में, ठीक है, एक हमारा फ्लोर है जमीन, और दूसरा है सील मतलब ये छत, ठीक है। तो कोई भी नंबर है तो उसकी सील वैल्यू क्या होगी, अब कोई नंबर कैसा नंबर होगा, वो डेसिमल में होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। जैसे मैं बोलूँ कि 5.6 है, तो 5.6 का सील वैल्यू क्या होगा, अब 5.6 है, ठीक है, तो 5 जो होगा वो होगी हमारी जमीन, ठीक है। 5.6 मतलब यहाँ कहीं है हम लोग, अभी अभी छत तक जाना है, तो छत क्या है हमारी 6 है, तो हम कह रहे हैं सील क्या है 5.6 की, तो छत क्या है 5.6 की, तो 5.6 की छत क्या है, 5 के बाद आता है 6, 5.6 बीच का पार्ट है ना, तो क्या आंसर आएगा 6 आएगा, तो आंसर आ रहा है 6, ठीक है। अब मैं इससे बोलूँ सील 5.2 की क्या है, अब देखो 5.2 मतलब 5 जो है वो फ्लोर है, ठीक है, और 5.2 यहाँ कहीं 5.2 लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद 5.2, 5.3, 5.4 ऐसे चलता है, यहाँ पे 6 लाई करेगा, सील क्या है इसकी 6 है, तो अभी भी आंसर हमारा क्या आएगा 6 आएगा। तो सील फंक्शन को आप राउंड ऑफ से मत जोड़ लीजिएगा, राउंड ऑफ में क्या होता है कि 5.6 का 6 हो जाता है और 5.2 का 5 हो जाता है, वो चीज अलग है, ठीक है। सील फंक्शन का मतलब क्या है कि उस नंबर से नियरेस्ट सबसे बड़ा उससे बड़ा नंबर क्या है, उससे बड़ा एक इंटीजर क्या है, ठीक है। 5.6 से 5.6 से बड़ा क्या है 6 होता है, 7.2। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मिलेगा 7.2, तो 7.2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो आंसर 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सील फंक्शन का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा फ्लोर फंक्शन, तो फ्लोर फंक्शन बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप समझ गए होंगे फ्लोर फंक्शन क्या होता है। तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा हमारा, कि जैसे हमने लिखा 5.6, तो 5.6 का सील क्या होता है 6, तो फ्लोर क्या होगा 5, तो आंसर आ गया 5। अब मैं फ्लोर निकालना चाहूँ 5.2 का, तो 5.2 का फ्लोर क्या आएगा, अब आप देख लो 5.5 यहाँ पे ये फ्लोर है उसका, और 5.6 जो है ये इसका रूफ है मतलब छत है, ठीक है। 5.2 यहाँ पे लाई करता है, तो इसका फ्लोर क्या है नीचे 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। अब मैं यहाँ पे बोलूँ फ्लोर ऑफ 7.2, 7.2 का फ्लोर क्या है, तो इसका आंसर आएगा 7, ठीक है। तो हम लोगों ने देखे 3 यहाँ पे सील फंक्शन देखे, फिर 3 यहाँ पे फ्लोर फंक्शन का यूज देखा, ठीक है। तो इतना पता चल गया कि सील और फ्लोर से हम लोग क्या करते हैं, एक जस्ट एक नंबर ऊपर, जस्ट एक ऊपर जो है हमारी सबसे बड़ी वैल्यू वो हमें पकड़ा देगा, ठीक है। फिर आता है हमारा लॉग। अब आप लोग सोचोगे कि लॉग ये तो कुछ सुना सुना लग रहा था, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। जैसे हमें किसी भी नंबर का लॉग निकालना होता है, जैसे कि हमें मान लो 25 का लॉग निकालना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम कोई मैथ का प्रोग्राम थोड़ी ना बना के बैठेंगे कि लॉग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट LOG फंक्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पे लॉग, और हमें जिसका निकालना होता है लॉग उसका हम वैल्यू यहाँ पे अंदर लिख देते हैं, तो हमारा ये आ रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लॉग फंक्शन काम होता है। फिर आता है लॉग। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें बेस भी चाहिए, तो देखो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा लॉग, ठीक है, हमें जैसे मान लो log 10 निकालना है, ठीक है, अब हम चाहते हैं इसका बेस भी, और मैंने यहाँ पे comma 10 लिख दिया, ठीक है, तो आंसर देखो 1 आ रहा है। तो होता क्या है, लॉग फंक्शन दो इनपुट लेगा, पहली वैल्यू और दूसरा अब उसका क्या बेस है, ठीक है। इसमें डिफॉल्ट में बेस सेट होता है, और इसमें क्या है हमें एक्सटर्नली बता रहे हैं कि log 10 का बेस 10 दो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि log 25 का बेस 10 क्या होगा, तो देखो आंसर क्या आ रहा है 1.3979 हो, जबकि log 25 वैल्यू अलग है, तो इसमें बहुत कंफ्यूज होना कि
जो बेस है वो क्या होता है और बिना बेस के वैल्यू देने में क्या होता है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। फिर आता है हमारा राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन तो समझ गया होगा, ऊपर फ्लोर और सील पड़ा हुआ है। तो राउंड फंक्शन का काम क्या होता है, हमारे नंबर को राउंड ऑफ कर देना। जैसे कि मैंने बोला 3.5, तो 3.5 क्या है, इसका राउंड ऑफ क्या होता है, 4, तो आंसर 4 आएगा। फिर मैं बोल दूँ कि राउंड निकालिए आप 2.7 का, 2.7 का राउंड ऑफ क्या होगा, 3, आंसर आएगा 3। अब मैं बोलूँ कि आप 3.4 का राउंड ऑफ निकालो, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 3 होगा। तो ये बिल्कुल सेम राउंड ऑफ जैसा आपने आज तक करा हुआ है वैसे ही बिल्कुल सेम वही चीज होती है। फिर आता है हमारा साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन, अब साइन भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, जैसे किसी भी हमें नंबर का साइन निकालना हो तो उसका साइन क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, जैसे मुझे निकालना है साइन 45, ठीक है, तो इसमें क्या बताया 0.85090, मतलब ये कोई वैल्यू दे दी साइन में। फिर तो ऐसे ही हमारा कॉस आता है, ठीक है, तो कॉस में क्या होता है, जैसे हमें कॉस निकालना है कॉस 45, ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू 0.5253321 ऐसे करके कुछ आ रही है, ठीक है। इसके बाद अब हमें टेन निकालना है किसी भी वैल्यू का, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन लिख देंगे, टेन 45 यहाँ पे देख लेते हैं, तो आंसर 1.61977, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आया एसक्यूआरटी फंक्शन। तो एसक्यूआरटी फंक्शन क्या होता है, अब ये देखो, जैसे कि मुझे कोई नंबर था, जैसे कि था मुझे नंबर मिला 25, तो क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो मैं स्क्वायर रूट के लिए वो फॉर्मूला थोड़ा ना लगाऊंगा इतना बड़ा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करूंगा। तो मैंने लिखा एसक्यूआरटी और कोई भी नंबर, जैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, तो 5 आ गया, ठीक है। अब मैं कहूँगा आपसे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 × 2 होता है वो, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब मैं पूछूँ एस क्यू आर टी आप निकालो 91 का, 91 का स्क्वायर रूट कुछ पॉइंट में आएगा तो आ जाएगा 9.53, मतलब ये आएगा, ठीक है। तो एस क्यू आर टी मतलब स्क्वायर रूट, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए एस क्यू आर टी यूज करते हैं। फिर आता है आई एस क्यू आर टी। तो कुछ लोग सोचेंगे आई एस क्यू आर टी क्या है, तो एस क्यू आर टी सुनने में वही लग रहा है आई एस क्यू आर टी, अब ये क्या होगा देखो, तो मैंने 25 का जब स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर आया 5.0 आया, ठीक है, मगर 5.0 को 5 दो ना, सीधा 5.0 का दे रहा, तो उस केस में हम लोगों ने आई एस क्यू आर टी यहाँ पे लिखा, तो अब सीधे हमें क्या करेगा कि 5 देगा, ठीक है। अब मैं लिखूँ आई एस क्यू आर टी और फिर मैं कहूँ यहाँ पे 4 का, तो 4 का 2.0 क्यों दे रहा है भाई, हमें 2 दो ना सीधा खत्म करो आंसर, तो यहाँ पे इसने 4 लिखा मैंने, तो यहाँ पे देखो आंसर 2 आ रहा है। तो आई एस क्यू आर टी कहता था इंटीजर में आंसर दे रहा हमें, और जैसे कि हम 91 का निकालेंगे तो इसमें क्या आ रहा है 9.539, जैसे बड़ा सा नंबर आ रहा है, तो हम इसमें निकालेंगे तो सिर्फ 9 आएगा, इसका मतलब क्लोजेस्ट जो इंटीजर होता है बस हमें वही बता देता है कि हमारा इंटीजर जो है वो क्या है, इंटीजर वैल्यू दिखाता है और इसके बाद जो डेसिमल के आगे कुछ भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं। तो आई एस क्यू आर टी का काम होता है इंटीजर वैल्यू निकालना। फिर आता है पावर फंक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि मैं आपसे कहूँ कि अगर 2 की पावर 4 निकालनी है तो कैसे लिखते थे, 2 और एक्सपोनेंशियल का साइन और 4 लिखते थे, ठीक है, तो आंसर आता है 16। मगर इसको पावर फंक्शन मैथ मॉड्यूल के पावर फंक्शन कैसे यूज करेंगे, लिखेंगे पावर किसकी पावर, हमने यहाँ पे बोला आप 2 की पावर निकालो कॉमा कितनी पावर निकालनी, 4, अब इसको देख लें तो भी आंसर 16.0 आ रहा है। समझ रहे हो, तो हम या तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगा सकते हैं या फिर हम पावर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। पावर फंक्शन क्या कहता है, पहली वैल्यू जो हमारी इनपुट लेता है वो होता है हमारा नंबर, और फिर दूसरा क्या होता है उसकी कितनी पावर है हमें वो लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है ईएक्सपी। अब ईएक्सपी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए हम लोग ईएक्सपी लगाते हैं। ईएक्सपी किसका निकालना है, जैसे कि मान लो 45 का एक्सपोनेंशियल पावर निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 3.4, ये हो गया हमारा इतना पार्ट, फिर ई प्लस 19, मतलब 10 की पावर 19, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी का, किसी भी वैल्यू का। फिर आता है हमारा सम। तो सम फंक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो जैसे कि मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, इसमें पढ़ा है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट के सारे एलिमेंट जो है वो सब ऐड हो जाएं और मुझे आंसर मिल जाए, तो मैं क्या लिखूंगा सम ऑफ एल, पूरी लिस्ट का जो है सम निकाल दो। तो अब मैंने इसको रन किया तो आंसर आया 15। अब जोड़ लो 1 + 2 मतलब 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10 और 10 + 5 = 50, तो 15 आंसर आ गया। तो सम फंक्शन बस यूज होता है हमारे जितने भी हमारे इटरेशन इटरेबल हैं उन सबको क्या करता है, उन सबकी वैल्यू को ऐड करके हमें दे देता है। अब जैसे कि मान लो देख रहे हैं इसको टपल में चलता है कि नहीं, तो मैंने लिखा टपल में, ऐसे लिखा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब मैं चेक करूँ कि क्या टपल में चलेगा, तो आप चेक कर लेते हैं टी पे करके, तो आंसर आ रहा है 15। तो टपल में भी चलता है क्योंकि टपल क्या है, इटरेबल है, जिसपे हम लोग लूप लगा सकें उन सब पे हमें आंसर देता है, ठीक है। तो यही हमारा सम फंक्शन है। आप लोग इसको स्ट्रिंग में ना यूज करने लगे, क्योंकि स्ट्रिंग में थोड़ा सम निकालता है, ये सब किसका निकालता है, इंटीजर वैल्यूज का सम निकालता है। फिर बात आती है इंटीजर ही वैल्यूज का निकालता है क्या, तो उसके लिए चेक कर लेते हैं कि 1.2 है, ठीक है, ये क्या है 2.5 है, ठीक है। अब हम लोग इसका देख लेते हैं, क्या आप हमारा सम फंक्शन हमें आंसर देगा, तो बिल्कुल हमें आंसर देगा। और आप देख लेते हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 15.7, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा एफ सम।
तो अभी आपने बोला अभी या तुमने एस क्यू आर टी बताया था, फिर तुमने आई एस क्यू आर टी बताया, अब तुम सम बता रहे हो, फिर तुम एफ सम बता रहे हो, ये क्या कर रहा हूँ? तो मैंने आपसे बताया कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और अभी देखो जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई, तो इसका एफ सम क्या होगा? अब देखो जब हमने सम निकाला था तो आंसर करेक्ट आया 15 का 15, ठीक है। तो हमने इसका सम निकाला, ये तो टप्पल है, इसको छोड़ो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी तो भी हमें आंसर एग्जैक्ट मिला, मगर मिला फ्लोटिंग पॉइंट में। एफ सम क्या करता है, ये भी सम निकालता है मगर आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में हमेशा देता है। जैसे कि अभी हमने ये देखा, देखो आंसर 15, सम वाले में 15 आ रहा है और इसमें क्या 15.0। इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही, तभी इसको बनाया गया, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बाकी कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है कि आपको अगर ये वाला सम याद है, आपको एफ सम नहीं याद है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल एल को ऐसे लिखना है, ठीक है। जब आप सम लिखोगे सम, तो सम को उसको टाइप कास्ट कर लो, तो यहाँ फ्लोट में बदल दो, तो भी आंसर वही आने वाला है आपका। तो उसमें कोई इशू नहीं है इतना बड़ा कि इसको जो है स्पेशली याद करा जाए, तब भी आंसर हमारा यही आना। मगर अब ये है कि अपने आप फ्लोट लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा आप एफ सम लिख दो तो भी हो जाता है, ठीक है। फिर आता है डिग्रीज। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप अभी आप देख रहे होंगे ऊपर मैंने साइन कॉस टेन जब निकाला, तो साइन कॉस टेन में ये रहा, देखो वैल्यूज जो है वो एग्जैक्ट नहीं आ रही है, जो होती है जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ रखी है। उसके लिए क्यों नहीं आ रही, क्योंकि कंप्यूटर कहता है दो इनपुट लेता है, एक होता है डिग्री, एक लेता है रेडियन। डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमारे फंक्शन क्या होते हैं, डिग्रीज या फिर रेडियंस। जैसे कि अब मान लो हमें कोई रेडियन में कोई वैल्यू दी है, ठीक है, जैसे रेडियन हमें दिया है 25, ठीक है। तो उसका डिग्रीज क्या होगा, डिग्रीज होगा 1432 इतने डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा डिग्रीज फंक्शन क्या करता है, जितने भी हमारे रेडियन वैल्यू होती है, रेडियन में हमारा जो वैल्यू होता है उसको डिग्री में बदल देता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रेडियंस फंक्शन। अब सीधी सी बात है, हमें कोई डिग्री दी गई हो, हमें उसको रेडियंस में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियंस, और हमने कह दिया मान लो 25 डिग्री है, तो उसका रेडियन क्या आएगा, 0.4363231, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है ई, और आप सोचोगे ई तो एक वेरिएबल हम बना सकते हैं कि ई इज इक्वल टू 10, कोई दिक्कत नहीं, ई प्रिंट करोगे तो आंसर 10 आएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे ई जो है वो अलग चीज है। अब अगर मैं इसको शेल को दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, अब देखो मैंने क्या किया, फिर से यहाँ पे इसको बोला मैंने कि फ्रॉम मैथ, मैथ से सबको बुला लो, इम्पोर्ट ऑल, ठीक। फिर मैंने बोला ई, तो ई क्या है, अब देखा तो ई की देखो यहाँ पे इसने वैल्यू दे दी। एक चीज गौर करी तुमने कि हम लोगों ने शेल को रीस्टार्ट करा है, शेल को दोबारा चालू करा है, ठीक है। तो अब ये जो इससे पहले जितनी चीज काम करें ये सब अब ये नए वाले में एप्लीकेबल नहीं, वहां पे ई की वैल्यू 10 थी, बट इसके जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही शेल रीस्टार्ट हुई, तो वो ई की वैल्यू खत्म हो गई। तो जहां मैंने यहाँ पे ई प्रिंट किया तो ये दे रहा है 2.71828, ऐसे बड़ी वैल्यू दे रही है, ये क्या है। तो ई जब हम लोग कहीं पे यूज करते हैं मैथमेटिक्स पे, तो हमें उसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें मैथ मॉड्यूल क्या करता है, प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से, हमें सिर्फ ई लिखना है, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू जो है वो तो बड़ी दिक्कत से आएगी, बड़ी मुश्किल से आएगी, 3.14 इतना ही लोग याद रखते हैं। अगर अगर हमें पूरी वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे पाई, और फिर हमें देखो पूरी वैल्यू मिल जाएगी, ये फायदा है। तो ई और पाई तो हमेशा याद रखो कि जब भी मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करा जाता है, निकाला जाता है, तो वहां पे हम लोग ई और पाई कोशिश करो इनका एक वेरिएबल ना बनाओ, क्योंकि ये कभी भी अचानक से काम आ सकते हैं, ठीक है। फिर हम आता है टाउ, तो आप लोगों ने सुना होगा कि टी ए यू एस ऐसे करके सिंपल होता है, ठीक है। तो अगर टाउ की वैल्यू जानना चाहे तो हमें वो पता चल जाती है। तो ये तो था मेरा मैथ मॉड्यूल, जिसमें इंपोर्ट मैथ करके हम लोगों ने हर चीज जो है इंपोर्ट कर ली। अब एक चीज और याद रखो, अगर हमने यहाँ पे ये लाइन ना लिखी होती फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, और वहां पे हमने ये लाइन लिखी होती इंपोर्ट मैथ, तो हर एक फंक्शन के पहले हमें क्या लिखते हैं, मैथ डॉट ये, फिर मैथ डॉट फंक्शन का नाम, हर जगह मैथ डॉट लगाना पड़ता है। मगर हमें अगर सब सारी से कुछ, मगर अगर हमने सारी चीजें इनपुट कर ली, सारी चीजें इंपोर्ट कर ली, तो हमें सिर्फ फंक्शन का नाम देखो हम यूज कर रहे हैं और काम हो रहा है, कहीं पे भी मैथ डॉट नहीं लगाना, ठीक है। तो कोशिश करना जहाँ एक दो फंक्शन का काम हो वहां पे क्या करना कि इम्पोर्ट फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पर्टिकुलर फंक्शन का नाम, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा यूज करना है, तो फिर बेटा पूरी की पूरी यूज कर लो, ठीक है। तो ये तो था मेरा मैथ मॉड्यूल। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ ये समझ में ना आई हो, या फिर आपको कुछ फंक्शन समझ में ना आए हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अभी मैं क्या करूंगा, एक इसके प्रोग्राम्स की एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, ठीक, उस पर काम चल रहा है। तो जैसे ही वो सारे प्रोग्राम्स बन जाएंगे तो उसमें आप इन सब का यूज देखोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी अगर आपको कोई फीडबैक या सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, सो बाय, सी यू द नेक्स्ट वन।